देखिए ये तो पुश्ते नहीं बीतेंगी भाई, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है जी, यहाँ तो हमने इसी पुश्त में अपना कर दिया है। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नगर कर दिया है। एक बार तेलंगाना और हैदराबाद में आने दीजिए ना, तो पुश्त बीतने की आवश्यकता ही नहीं, फिर वो तो उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि हमें क्या करना है। विकास दुबे अपने आप को सरेंडर कराए थे मंदिर में, पब्लिक के सामने कि कम से कम हमारा एनकाउंटर नहीं होगा। हो गया? अरे वो बैठा के चार बार गाड़ी पलटे सब। चार सौ पचास एनकाउंटर हुआ था एक साल में। विकास दुबे तो एक नाम है, 450 एनकाउंटर हुआ था। वो आदमी गद्दी पे बैठते कहा, आज जितने लोगों का रिकॉर्ड है सबको मार डालो। साहब बोले मार डालो, बाद में बात करेंगे, एक साल बाद करेंगे। जो जहां उठाएगा वही मारा गया। जरूरी भी था बाबा भी, देखो नेचर क्या है ना, नेचुरल सिलेक्शन इसी को बोलते हैं। यूपी को चलाना सबके बस की बात नहीं है। 25 करोड़ पब्लिक है, जहां लिख दोगे यहां थूकना बना है वहीं थूकेंगे। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह चला सकते हैं? कभी नहीं चला पाएंगे। प्रदेश को मनमोहन सिंह नहीं चला, प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ चला सकते। इसके बारे में आपका आकलन क्या है यूपी के अंदर? देखिए कांग्रेस मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू में पड़ी हुई है, और प्रियंका जी तो बड़ी मेहनत कर रही है, राहुल जी भी आए थे अमेठी अभी। आते भी जब आईसीयू में कोई पड़ा रहता तो उसके लिए तो अंतिम समय में मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से अच्छी सरकार देने की क्षमता भी रखता है। आप खुलकर बोल नहीं रहे योगी आदित्यनाथ, इससे कुछ ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ की पर्सनालिटी के खिलाफ है? बहुत ही गार्डेड बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं। सवाल उठता है कि बीजेपी में इतने नेता हैं, जब भी लोग हो सकता है अपनी दावेदारी ना करें, आप 5 दूसरों के नाम बता दें, दरिया दिल्ली दिखाते हुए कि ये सब बन सकते हैं, चाहे स्वामी मौर्य केशव मौर्य। इतने बातों से आपको पसीना आ रहा है, अगर मैं खुल के बोलूं तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलम में नहीं कर रहा हूँ, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूँ। आप कोई और सीट बताइए जहाँ से आप चुनाव जीत सकते हैं गोरखपुर से निकलकर? कहीं भी, उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकते हैं। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। मेरा योगी जी सिर्फ एक ही छोटा सा गुलशन है सर, चाहे वो गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर कुछ नहीं की, तो वो कहने के लिए सर कुछ कर ही नहीं रहे। हमने कहा यार कार्य करते दो, हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया। और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे, और बहुत शीघ्र इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। इसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे,
मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आए? ठीक बोल रहे, वक्त आएगा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। पर आपको लगता नहीं है ये पोलराइजेशन की का हाई पॉइंट है? ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोग काशी को भव्य बनाने की बात, मथुरा को भव्य बनाने की बात कर रहे हैं, ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओबीसी से आप उम्मीद क्या करते हैं? ओबीसी से क्या आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं क्या? अब क्योंकि चुनाव है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, होली भगवा रंग की होगी या लाल रंग की होगी ये तो समय बताएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका नंबर क्या है? अखिलेश जी तो 400 बोल गए। मैंने कहा ना, मैं पहले भी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विपक्ष को भी चाहती है और स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस का मकसद प्राप्त करेगी, कोई संदेह नहीं होगा। हाँ, आप 400 तक नहीं जा रहे हैं, आप 400 तक नहीं जा रहे अखिलेश जी। मैंने कहा ना, जो वास्तविक संख्या होगी हम बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है 10 मार्च के बाद जब शपथ ग्रहण होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी, उस समय हम लोग बोल सकेंगे कि देखो हमने तो ये कहा था ना, वो पूरा हुआ। उन लोगों को उस समय मुंह छुपाने की स्थिति होगी नहीं, जब उनको बोलना ही नहीं तो इस समय बोल दो। मैं तो आश्चर्य होता है कि वो तो लिख के लेके आए होंगे अखिलेश जी, तो उन्होंने 400 बोल दो। बीजेपी का संकल्प कह रहा हूँ ना, वह अन्यथा यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि हम 600 सीट लेके आ जाएंगे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपका लखनऊ काफी खुद देखा है, व्यक्ति बार बार मार खाता अपने कामों में, पब्लिक मारते एक बार मार पड़ी क्या, कई बार मार पड़ी। मजा आया